बैक टू माई चैनल। सो ये व्लॉग मेरी भाई की वेडिंग का है और ये वेडिंग हरियाणा में है, तो अभी हम सब उसकी वेडिंग के लिए जा रहे हैं और आपको भी दिखाऊंगी कि हरियाणवी वेडिंग कैसी होती है, क्या क्या अलग रिचुअल्स होते हैं उसमें। मेरी दीदी की भी वेडिंग हुई थी बट वो प्रॉपर हरियाणवी टच नहीं था उसमें, तो आइए चलिए और देखते हैं कि और अभी यहाँ बनवारे की तैयारी हो रही है, दिए रख रहे हैं और ये रसम बुआ करती हैं, दूल्हे के साथ बैठ करके उसको चावल छिड़कते हैं। और ये डे 3 है बिकॉज 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया था बट हम नहीं पहुँच पाए थे। और ये मेरी मम्मी की प्रैक्टिस चल रही है आज के डांस के लिए कि उन्हें कौन से सॉन्ग पे डांस करना है आज। सो गाइस, अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं बनवारे के लिए, जो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि वो तिलक के पहले निकलता ही रहता है ऐसे मोहल्ले से, एक घर से दूसरे घर तक। सो अभी हम उसके लिए ही जा रहे हैं और आइए चलते हैं, डांस करते हैं, मजे करते हैं। अंकिता आज डांस करेगी, कौन से गाने पे डांस करेगी? गाना डिसाइड नहीं है क्योंकि हमारे जो हम जिस गाने पे हम डांस करना चाहते हैं वो गाना कभी प्ले ही नहीं होता है, तो इसलिए वो हमारा डिसाइड नहीं है। और पीछे आप देख सकते हैं मेरी मम्मी रेडी हो चुकी हैं, अभी हम निकलने वाले हैं। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन सा गाना प्ले होता है हमारे। मैंने लगाया था मम्मी के, इतनी अच्छी मेहंदी आज तक किसी ने लगाई होगी। किसी जाएगी काली तो रच जाएगी, कद लाल लाल हाथ होगा और क्या, लाल हाथ होगा सही रचेगी, सही रचेगी। सो गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अभी हम सब रेडी होने जा रहे हैं चाक के लिए। ज़्यादा डिटेल तो मुझे भी नहीं पता कि ये होता क्या है, बट जितना सुना है उतना तो इतना ही पता है कि इसमें डांस करते हुए जाते हैं कुम्हार के यहाँ, जिसके यहाँ मटकियाँ बनती हैं और वहाँ से मटकी लेकर के घर तक आते हैं डांस करते हुए। तो अभी हम सब रेडी होने जा रहे हैं, तो आइए चलिए देखते हैं कि क्या होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे फेस पर जो ये एक पिम्पल निकला है वो भी शादी के टाइम पर, मतलब क्या अभी ज़रूरी था। चलते हैं, रेडी होते हैं। ये देखो जब से आई तब से सिर्फ नेल पेंट लगा रही है, अच्छी लगी ना बेबी बेबड़। दी बेबी बेबड़ मत क्या करो, ये अभी तैयार नहीं हुई है बेचारी। सुजू क्या खा रहा है, इधर बोलो, इधर देखो, ठीक क्या खा रहा है किसी कर दो।
ये अपनी मम्मी का फुल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी कि वो कैसे रेडी हुई हैं। ये उनकी देखो हेयर स्टाइलिस्ट लगी हुई है साथ में। अभी हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम सब जाने वाले हैं चाक के लिए, तो आइए चलते देखते हैं और क्या होता है। और ये पीछे अभी ये सब रेडी हो रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले मुझे तैयार किया, फिर ये दोनों खुद हो रही है बेचारी मेरी दोनों बहनें। ये रेडी हो चुकी है बेबी और मेरी दीदी भी रेडी हो चुकी है। बेबी बेचारी के अभी हेयर नहीं क्रिम हुए हैं तो वो मुझे वो करना है उसके। Bye.